अच्छा, ये EB2 एक अलग कैटेगरी है, NIW ये दिस वेरी इंटरेस्टिंग, तो ये थोड़ा सा बताइए सर ये क्या है EB2 और NIW? जी, EB2 का मतलब तो हो गया कि ये सारी कैटेगरीज, ये सारे क्राइटेरिया जी वो कॉमन है जी। अगर हम उसमें NIW को ऐड कर देते हैं, NIW का मतलब है नेशनल इंटरेस्ट रेट। ओके ओके, वो ये मकसद ये होता है इसका कि ये US के इंटरेस्ट में है कि हम इस क्वालिफाइड बंदे को अपने पास बुलाएं। ठीक है, तो उसके लिए हमें NIW के कैटेगरी को ऐड किया है। ठीक है, अगर ये दो कैटेगरी ऐड हो जाती हैं तो फिर आपके ज्यादा चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो NIW है उसमें सिंपल यही है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ देना है उन्हें कि आप वाकई क्वालिफाइड हैं, आपका इतना वर्किंग एक्सपीरियंस है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। ठीक है, और कुछ उन्होंने कैटेगरीज की हुई है अनाउंस के जी, जिसकी बेस पे वो ज्यादा स्पीडी जो है ना, उनको स्पीडी प्रोसेस होता है। तो सर अगर इस तरह कहा जाए कि जो बुनियादी इसकी रिक्वायरमेंट है तो 16 साल की डिग्री चाहिए होती है या इससे ज़्यादा, ये बुनियादी तौर पे 16 ईयर्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें जी, बिल्कुल, और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो यू कैन अप्लाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सर ये एकदम ज़रूरत क्या पड़ी USA को एकदम से, जो धूम मची हुई है दुनिया भर में बल्कि ख़ासतौर पर पाकिस्तान में के EB2 NIW की, तो एकदम ये एकदम से प्रोग्राम शुरू हुआ है कुछ महीने पहले या कि पहले से था? व्हाई USA नीड सो मेनी पीपल? अच्छा, प्रोग्राम शुरू हुए तो काफ़ी साल हो गए। अच्छा, पाकिस्तान में जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो शायद 19 या 20 में हुआ है। ओके, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, लेकिन कोरू जिसका आपने कंसल्टेंट का नाम जो स्पॉन्सर है इस प्रोग्राम के जी जी, और मेरे जो है काउंसलर भी हैं जी, तो उन्होंने उसने इंट्रोड्यूस कराया जिस टाइम पे, तो वो मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा। दिस कोरू कंसल्टेंट गाइस, कोरू कंसल्टेंट इज अ कंपनी व्हिच इंट्रोड्यूस EB2 NIW, दैट्स अमेजिंग माशाल्लाह। और उन्होंने ही मतलब मुझे इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद जो है ये प्रोसेस सारा मैंने स्टार्ट किया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है कोरू कंसल्टेंट से मेरा भी ताल्लुक है और वहाँ पर भी मैं होता हूँ, तो सर को मैंने गाइड किया था इस हवाले से। लेकिन ज़ाहिर है ये प्रोग्राम की नौयत अलग है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सर बताएं आपको EB2 NIW के हवाले से, ताकि क्योंकि ऑडियंस अलग है तो आप लोग ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि मुझे तो आप देखते ही रहते हैं मुख्तलिफ हवालों से। अच्छा, तो सर ये मतलब ये हुआ कि पहले से ज़रूरत थी USA को, लेकिन जैसे कोरू कंसल्टेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया तो पीपल कम टू नो, लेकिन इससे पहले भी ज़ाहिर कुछ होंगे जो कि जाते होंगे, ऐसा है? इसमें अगर जाते भी होंगे तो हो सकता है पाकिस्तान, क्योंकि इसमें भी दो हैं जो उनकी बुलेटिन आती है मंथली बेस पे आता है जी, उसमें दो कैटेगरीज को शो करते हैं जी। EB2 वो लोग जिन्होंने इस्लामाबाद एम्बेसी से किया जी, पाकिस्तानी है लेकिन इस्लामाबाद एम्बेसी से किया है। EB2 वो लोग जो पाकिस्तानी है लेकिन इस्लामाबाद एम्बेसी नहीं, आउट ऑफ कंट्री। ओके 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 ओके, ऑलराइट। तो ये पहले जो था वो शायद ये वाली कैटेगरी तो चल रही थी, लेकिन इस्लामाबाद वाली कैटेगरी उस, तो ये कहना जाए कि यू आर द फर्स्ट ऑन एयर पाकिस्तानी जो ऑन एयर रिकॉर्ड हो रहे हैं, जिन्होंने जिन जो के ज़रे पाकिस्तान बेस या कराची बेस हैं और जिनका वीजा लगा EB2 NIW का, तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा? नहीं, मैं पहला तो नहीं कहूंगा अपने आप को, ऑन एयर ऑन एयर, क्योंकि आप जाहिर पहले भी हुए होंगे लेकिन ऑन एयर यूट्यूब पे जो आप जाहिर वीडियो देख रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में कोई ऐसा आपको पाकिस्तानी जो कराची में रहता हो और जिसका EB2 NIW का वीजा लगा हो ऑन एयर, जिन्होंने अपने आपको बताया हो, वो आपको नहीं मिलेगा आपकी नॉलेज में कोई ऐसे ही? तो प्रॉब्ली द ओनली गाय, एक हमने पहले रिकॉर्ड करवाया था लेकिन वो जद्दा में थे गालिबन या सऊदीया में थे, ही वॉज वेरी काइंड लाइक अशर सर, तो लेकिन वो पाकिस्तानी तो थे लेकिन वो जद्दा में थे और ज़ाहिर इनका वीज़ा लगा तो उनसे उनके साथ सेशन हुआ था हमारा।